परो हरि अभाल लोचन शंभुर भगवान वादरायण रत्नेश्वरै नमः ज्वालामालिनै नमः सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। महाराज जी के विषय में महाराज जी का नाम लेकर के भक्तमाल स्वरूप है ऐसा करके पद गा रहे थे मैं, और उसमें ओम माई दगुंग हवि प्रजननम मे अस्तु दशा वीर गुंग सर्वागाढ़ गुंग स्वस्ताये आत्मा शनि प्रजा शनि पशु शनि लोक सन्न भय शनि अग्नि प्रजा बहुला मे करो तो अन्नम पयोरे तो अस्मा सुदत्तो जलेन शीतलीकरणम पुष्पैः भक्ताभिवंदनम हस्ताभ्याम आत्माभिवंदनम पात्रमध्ये सतम तोयम् भ्रामितं केशवोपरि अंगलग्नं मनुष्याणां सर्वं पापं विपोहति आरार्ति ग्रहणं हस्तौ वृक्षाल्यो हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा मंद्रपुष्पाञ्जलिः नाना सुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरो श्रीमद्भगवद्भक्तेभ्यो नमः चरणकमलेषु मंद्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीको व्यासांबरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्यान रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरुवृन्दावन बिहारी लाल की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री अम्ने महारानी की जय। जगज्जननी यज्ञेश्वरी पूजा गौ माता की जय। चौरासी कोस ब्रजमंडल धाम की जय। सपरिकर श्री भक्तमाल जू की जय। श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज की जय। श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज की जय। श्री प्रियादासी महाराज की जय। समस्त भक्तमाली परिकर की जय। भक्तमाल भास्कर सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज की जय। उनके परम पावन आविर्भाव महामहोत्सव की जय। परम श्रद्धे प्रातास्मनी पूज श्री पहाड़ी बाबा महाराज की परम श्रद्धे प्रातास्मनी पूज श्री भरतदासी महाराज की परम श्रद्धे प्रातास्मनी मदन मोहनदास पूज मदन बाबा जी महाराज की सब संतन की सब हरि भक्तन की जय। जय श्री सीताराम। कृष्णाभ्यां नमः श्री यमुनायै नमः श्री हरिदास वर्य श्री गुरुगोवर्धनाय नमः श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः प्रह्लादादि परम भागवतेभ्यो नमः ब्रह्मादि द्वादश महाभागवतेभ्यो नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः श्री सुरभ्यै नमः भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन किए नाशनी
श्री राम जय राम जय जय राम 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 सीता राम जय सीता बांके बिहारी लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की श्री राधा रमण लाल की श्री गोपीश्वर महादेव की अन्नपूर्णा माता की यमुना महारानी की तुलसी महारानी की श्री गिरिराज महाराज की यज्ञेश्वरी जगज्जननी गौ माता की श्री सूरश्याम गोधाम की श्री जड़खोर गोधाम की श्री पथमेड़ा गोधाम की श्री चौरासी कोष ब्रजमंडल धाम की परम पूज्य प्रातः स्मरणीय सद्गुरुदेव श्री पंडित श्री भक्तमाली जी महाराज की सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज की उनके पावन जयंती महामहोत्सव की पूज्य भक्तमाली श्री मामा जी महाराज की परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज की श्री भरतदास जी महाराज की उनके महाप्रयाण महोत्सव की श्री मदन बाबा जी महाराज की उनके सीपीए मिलन महामहोत्सव की जय जय श्री राधे जय जय श्री सीताराम हर हर महादेव निताई गौर हरि पूज्य सद्गुरुदेव भगवान श्री भक्तमाली जी महाराज का 106वां आविर्भाव महोत्सव चल रहा है। इस उत्सव में पिछले वर्ष की आपको स्मृति होगी, अक्कू भाई थे पिछले साल तो श्री भरत जी का चरित्र चल रहा था और श्री हमारे मलुकपीठ के वयोवृद्ध संत श्री भरतदास जी बड़े प्रेमी संत थे, महाराज जी का विशेष प्रेम उन्हें प्राप्त था। शारीरिक रूप से कुछ अस्वस्थ हुए और उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि हम एक कथा सुनना चाहते हैं। तुमने कि कब सुनेंगे, बोले महाराज जी के उत्सव में ही जल्दी करवा दो हमारी कथा। उन्होंने कहा क्या सुनेंगे, बोले हम भरत चरित्र सुनेंगे।
एक मलुक पीठ के दीक्षित शिष्य हैं गोस्वामी जी, दिल्ली रहते हैं। तो श्री भरतदास जी के पास खूब आते जाते रहे, खूब सेवा भी करते रहे। उनको पता चला कि भरतदास जी कथा सुनना चाहते हैं, तो उन्होंने कुछ राशि अर्पित की कि ये उत्सव में लगा दिया जाए। और अतुल जी अपने दिल्ली वाले तो थे ही, और षष्ठी को पूज्य भरतदास जी ने नीचे आकर उत्सव में खूब आनंद लिया, प्रसन्न भी हुए, को बधाई में बड़े प्रसन्न हुए। और अष्टमी को ही, आज अष्टमी तिथि है, आज की तिथि में ही उन्होंने भगवत धाम प्रयाण किया। किसी व्यक्ति को कह दिया जाए, संसारी आदमी को, कि तुम्हें असाध्य रोग हो गया, कैंसर हो गया, तो इसी से वो आधा मर जाता है। अरे हाय हाय, अब हमारा क्या होगा। पर श्री भरतदास जी ने कहा कि राधा रानी की बड़ी कृपा है जो ये रोग आया है, हमें बिल्कुल कष्ट नहीं है। हमने आपको केवल इसलिए बुलाया है, किसी भी अवस्था में हमको मलुक पीठ से बाहर हॉस्पिटल में मत ले जाना, मैं बहुत आनंद में हूं। और आप किसी की बात सुनना नहीं, क्यों, आपको लोग कहेंगे आप तैयार हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं, आपकी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं होगा। और बहुत कोई कष्ट भी उनको नहीं हुआ, सहज भाव से ही उन्होंने अपने देह का विसर्जन किया। हम लोगों ने यमुना जी में उनके शरीर को समाधिस्थ किया। ऐसे ही स्थान के एक बड़े समर्पित और पूज्य मामा जी के साथ लंबे समय तक जो रहे, श्री मदन बाबा, बक्सर श्री सीताराम विवाह महोत्सव में अंतिम श्वास तक सेवा करते हुए, मार्ग शीर्ष शुक्ला तृतीया को उन्होंने भगवत धाम प्रयाण किया, जो पूज्य महर्षि खाकी बाबा सरकार की सीपीए मिलन की तिथि है। तो ये सीताराम विवाह महोत्सव गुरु जी के उत्सव के रूप में, सीपीए मिलन महोत्सव के रूप में ही मनाया जाता था, और उसी उत्सव में मदन बाबा ने देह त्याग किया। 11 बजे तक तो खूब ताबड़तोड़ भागदौड़ करके सेवा की, मुश्किल से एक घंटा शरीर थोड़ा सा कुछ अस्वस्थ जैसा हुआ, और बस सहज भाव से, जैसे सुमन माले जिम कंठ ते गिरत न जाने नाग, ऐसे देह का विसर्जन किया। और उनके अंतिम शरीर का जब दर्शन हुआ तो ऐसे नहीं लगता था कि शरीर पूरा हो गया, ए दिव्य स्वरूप चमकता हुआ, खिला हुआ चेहरा। और पूज्य मामा जी ने जो आज्ञा दी थी उसका प्रत्यक्ष उन्होंने पालन किया। ऐसी मृत्यु अति दुर्लभ है, और यह किसका फल था, ये साधन का फल नहीं था, ये भजन का फल नहीं था, ये श्री मदन बाबा ने जो जीवन पर्यंत निष्काम भाव से सेवा की, उस सेवा का ये फल था। जिन पूज्य सद्गुरुदेव भगवान भक्तमाली जी का हम लोग उत्सव मना रहे हैं, आप लोगों को एक सूचना है, वो ये है कि
यहाँ कथा पूरी होने के बाद आप लोग वहाँ मलुकपीठ तो पधारते ही हैं, आरती होती दर्शन करना, तो प्रायः तो सब लोगों ने प्रसाद आज नई गौशाला में ले ही लिया है उत्सव का, पर बहुत से लोग नहीं रह गए हैं। ऐसा मत समझ लेना कि जिन्होंने ले लिया वो दोबारा नहीं ले सकते, ऐसा मत सोच लेना। जिन्होंने ले लिया है वो तो अच्छी बात है, अधिकस्य अधिकम फलम। और यहाँ से उठने के बाद सद्गुरु भगवान के उत्सव का प्रसाद जो झरा भंडारे होने के बाद पहुंच करके आप तो सुन लिए ना हमारी बात बिना माइक के भी, भंडारे की बात तो बिना माइक के भी सुन ली जाती है, क्योंकि और किसी में निष्ठा हमारी हो ना हो प्रसाद में निष्ठा जरूर रहती है। तो यहाँ कथा पूरी होने के बाद पूज्य गुरुदेव भगवान के उत्सव का प्रसाद आप लोग वहाँ बैठ करके मलुकपीठ में प्राप्त करेंगे, ऐसा संदेश आया है। तो हम निवेदन कर रहे थे पूज्य सद्गुरुदेव भगवान भक्तमाली जी ने स्वयं अपने श्रीमुख से अनेकों बार कहा कि पंडित जी हमें अपने जीवन में जो कुछ प्राप्त हुआ है वह केवल और केवल सेवा से प्राप्त हुआ है, इसलिए सेवा का फल क्या होता है ये श्री मदन बाबा ने करके दिखा दिया। मामा जी की सेवा भी की, हमारे पास रहकर हमारी सेवा की, वैराग्य की दृष्टि से देखें आयु की दृष्टि से देखें तो वो हमसे सब प्रकार से बड़े थे, लेकिन बिना चरण सेवा के बिना सेवा के वो रहते नहीं थे। भले ही हम 12 एक बजे तक पाठ कर रहे हैं तो भी बैठ बाबा सो जाओ, नहीं सबको सोने दीजिए ना सरकार हम तो बैठेंगे। और दक्षिणा अत्यंत प्रसन्नता से लेते थे, भूल जाए तो कवि दे उसका, भूल गया उसका रह गया दक्षिणा दे दो, तो देखने में लगता था कि दक्षिणा के बड़े प्रेमी हैं। पर वर्षों से जो दक्षिणा मिलती उसको बिना देखे सीधे सेवा में अर्पित कर देते सीधे। हमने मना करना शुरू कर दिया, बाबूजी को कह दिया मत लिया करो, तो कार्यालय में चले जाते, बोले ये सेवा है कहां से आई बाबा, बोले किसी भगत ने भेजी है, तो रसीद किस नाम से बनाना, बोले सीताराम राधे श्याम गोविंद गोपाल इन नाम से, भगवान के नामों से रसीद बना दो। रखा नहीं, अपने गुरुजी का भी खूब बढ़िया से उत्सव चैत्र मास में मना के गए, खूब भंडारा खूब सबको दक्षिणा। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कुछ राशि उनको मिली थी, कोई बात थी उनकी अपनी, अच्छे परिवार के थे मदन बाबा, मिथिला का मैथिल ब्राह्मण कुल का उनका जन्म था, मैथिल विप्र थे वो, झा झा होते ना मिथिला में, हमारे पंडित श्री बटोही झा जी हैं, मैथिल ब्राह्मण हैं यहाँ के नहीं हैं, झा जी नहीं हैं, तो मैथिल ब्राह्मण थे वो शरीर से, और अच्छे भरे पूरे परिवार के थे, तो कोई भूमि उनका कुछ मिला होगा। उसका 30 लाख के करीब तो तत्काल जड़खोर में दे दिया, हमारे बिना किसी को कहे चुपचाप, उसमें रुंटा जी व्यवस्था में थे और कुछ चिकित्सा उसके लिए शायद औषधि वगैरह के लिए आवश्यक था, तत्काल दे दिया उतना पैसा।
और जो बाकी बचा वो गुरु स्थान में अपने गुरु महाराज को अर्पित कर दिया मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए। अपने पास एक रुपया नहीं रखा उसमें से। और ऐसे कोई दक्षिणा ले तो बड़े प्रेम से ले लेते थे और कह भी देते थे कि सरकार वहां तो सबको दिया हमको नहीं दिया, ये भी कभी कह देते थे। अब किसी को भूल जाए तो उसकी भी याद दिला देते थे, गए उसको भूल गया उसको दक्षिणा दो। पर उनका स्वार्थ क्या था? सेवा बहुत ऊंची चीज है, बहुत ऊंची चीज है। परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज कहते थे, शरीर संसार के प्रति जो राग है वो कैसे खत्म हो, इसके खत्म हुए बिना, समाप्त हुए बिना भगवान में प्रेम नहीं होगा। शरीर संसार से राग मिटेगा तो भगवान के चरणों में अनुराग होगा, और शरीर संसार के प्रति राग निष्काम भाव से की गई सेवा के द्वारा ही शरीर संसार के प्रति राग मिटता है, और कोई दूसरा साधन नहीं। महाराज जी कहते थे, भक्तमाली जी महाराज, कि योगी लोग केवल फोटो खिंचा आंख मूंद के फोटो खिंचाने वाले नहीं, जो वस्तुतः योग सिद्ध पुरुष हैं वे हस्ता मलकवत पूरे पिंड ब्रह्मांड के रहस्यों को जान सकते हैं, पर ऐसे समर्थ योगी भी सेवा के महात्म्य को नहीं जान सकते। और सेवा धर्म परम गहन योगिनाम अप्यगम्य, सेवा धर्म इतना गहन है कि वह योगियों के लिए भी अत्यंत अगम है। तो शरीर संसार के प्रति राग मिटाने का साधन है सेवा। यदि हम कहें कि सेवा ही साधन है तो भी अतिशयोक्ति नहीं, और यदि हम यह कहें कि साधन संपत्ति में सेवा सबसे श्रेष्ठ साधन है तो भी इसमें अन्यथोक्ति या अतिशयोक्ति नहीं है। जितने तरह के साधन हैं उन समस्त साधनों में सेवा ही सबसे ऊंचा साधन है। भक्तमाल ग्रंथ के रचयिता नाभा जी को जो बाल्यकाल में सिद्धि मिली वो उसका उसका हेतु क्या है? सेवा। भक्तमाल में जितने भक्तों के चरित्र हैं उनके जीवन में प्रधान रूप से सेवा ही है। एक भगवत प्राप्त महापुरुष थे स्वामी जी, वो कहते थे जो सेवा दूसरों की ग्रहण करता है उसे खुद बिना सेवा के नहीं रहना चाहिए। हम लोग संसार से अन्न वस्त्र आदि प्राप्त करते हैं तो जो भी कोई व्यक्ति हमारे यहाँ आ जाए अतिथि के रूप में उससे प्रेम पूर्ण मृद व्यवहार करें और उसको प्रेम से बिठावें, उसको भोजन दें, भूखा हो तो उसको भोजन दें, आदरपूर्वक उसके उसके साथ व्यवहार करें। भले ही आपका परिचित हो या परिचित ना हो इससे कोई लेना देना नहीं, सेवा करने वाला है कि नहीं सेवा करने से भी लेना देना नहीं। इतना तो सही है कि जो कुछ हमें प्राप्त हो रहा है वो गृहस्थों के यहाँ से आ रहा है, तो कोई गृहस्थ आवे उसका हम आदर करें। संसार से हम रोटी कपड़ा प्राप्त करते हैं तो जगत की सेवा हमें करनी चाहिए। और वो महापुरुष कहते थे, श्री स्वामी हरिहरानंद जी महाराज, वो कहते थे जो सेवा करने में जिसकी प्रवृत्ति न हो उसे सब कुछ त्याग कर घोर जंगल में चला जाना चाहिए, न कपड़ा पहनना चाहिए, न रोटी खाना चाहिए, न किसी के सामने हाथ फैलाना चाहिए, उसे पूरी तरह प्रकृति के ऊपर निर्भर रह करके भजन करना चाहिए। यदि आप सेवा लेते हो तो आपको सेवा करनी चाहिए। श्री विवेकानंद जी महाराज का चरित्र हमने पढ़ा, स्वामी श्री विवेकानंद जी का, उनकी एक बात बड़ी अच्छी लगी हमको उनके एक वक्तव्य में। उन्होंने कहा
जब तक शरीर में युवावस्था है तब तक सेवा करो, और जब शरीर श्रम के योग्य सेवा के योग्य न हो जाए तो ब्रह्म चिंतन करो, भगवत चिंतन करो। ये उनका एक वक्तव्य है। इसलिए उनके मठ के परंपरा में पहले संतों को सेवा में, पहले अध्ययन फिर सेवा, और इसके बाद जैसे ही वृद्ध हो जाते हैं वो कहते हैं अब हम सेवा नहीं कर सकते, तो उनको कहा जाता कि हाँ ठीक है, अब आपकी एक ब्रह्मचारी आपकी देखरेख में रहेगा, आप प्रेम से भजन करें, सत्संग करें, स्वाध्याय करें। तो हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं, इन सभी पूज्य महापुरुषों को हम प्रणाम करते हैं। आज झरा भंडारा था, लगभग 1:30 बजे तक तो हम वहीं थे, वहीं स्थान पर थे, फिर यहाँ आए, कुछ आवश्यक चर्चा थी, फिर धनंजय दास जी की कथा में थोड़ी देर बैठ के वहाँ भी कुछ बोल के सीधे यहाँ आ रहे हैं। तो प्रवचन तो हमारा चालू है, पर यहाँ आने आते आते थोड़ा विलंब हुआ। अब मानस जी के 5 दोहा करते हैं और उसके बाद बधाई गाएंगे। पिताजी तो रोज एक बधाई लिख सकते हैं, आज भी उन्होंने एक बधाई लिखी है, तो उस बधाई को हम गाएंगे मानस जी के पाठ के बाद। मानस जी का पाठ कर लें फिर बधाई गाएंगे। अरण्य कांड दोहा संख्या 25 तक हो चुका है। जेहि ताड़का सुबाहु हति खंडे उहर को दंड खर दूषण तिसिरा बध्यु मनुज की अस बरिबंड जाहु भवन कुल कुशल विचारी सुनत जरा सरासन बाल फिरी फिरी प्रभु ही
रचित बनाई सीता परम रुचिर मृग देखा अंग अंग सुमनोहर वेशा सुनहु देव रघुवीर कृपाला ये नग कर अति सुंदर चाला सत्य संद प्रभु बद कर आनहु जन्म कति वेदे तब रघुपति जानत सब कारण उठे हरस सुन काज समार समय विचारी प्रभु लोकी चला मृग भारी धारे राम सरासन सारी निगम नेति शिव ध्यान न पावा माया मृग पाछे सुधा कबहु निकट पुनी दूर परा दूरत करत जल भूरी तब तक राम कठिन सर मारा धरनि पर करि घोर तुपारा लक्ष्मण कर प्रथम ही ले नामा पाछे सुमर सिमन बहु रामा प्राण तजत प्रगट सिन जी देहा सुमर सि राम समेत दीन असुर दीन बंधु रघुना खल बधि तुरत फिरे रघुवीरा सोह जाप कर भारत गिरा सुनी जब सीता लक्ष्मण सन परम सीता जाहु बेग संकट अति भ्राता लक्ष्मण अति कहा सुन माता रुक की विलास श्रेष्ठ लय होई अपने हु संकट पर किशोरी परम वचन जब सीता बोला हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला बन दिशि देवी सौंपी सब काऊ चले नींद दिन अन्न खाई सो दस शीश स्वान की नाई इत उत चित चला घड़ियाई कुपंति पग देत खगेशा तेज तन बुधि बल ले नाना विधि कर कथा सुहाई राजनीति भय प्रीत दिखाई कह सीता सुन जति उसा बोले वचन दुष्ट की नाई तब रावण निज रूप दिखावा भई सभय जब नाम सुनावा सीता धर धीरज गाढ़ा आई गयो प्रभु रघु कल ठाड़ जिमि
हरि बुधई चुद्र ससुचा काल बस निश चरना सुनत बचन रस मन महु चरण बंदी सुख माना मन महु चरण बंदी सुख माना मन महु चरण बंदी सुख माना क्रोध बंत तव रावण दीन सिरत बैठाय चला गगन पथ आतुर भैरथ हाकी न जा जग एक वीर रघुराया के ही अपराध विसारे सरोज दीन नाम हा लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा सो फल पाए ईले उरोसा विविध विलाप करत कृतांत समारा कृत सकंदर नाग की गगपति मंगल जान सहित जाना जरठ जटायु देहा मम कर तीरथ झाड़ी देहा सुनत गीत क्रोधा दुर्धावा कस रावण मोर जानकी कुशल गिर जाओ नाही तहस हुई यही बहुबाओ राम रोष पावक अति गोरा हुए सकल सलभ कुल तोरा उतरु न देत दसानन जोरा तबहि गीत धावा करि रोरा धरि कच विरत कीन मई गिरा सीतहि राखि गीत पुनि चौचन मारी पिदार से दे दंड एक भई मुरछा दे तब सक्रोध निसि चर किसि आना काढ़ सि परम कराल कृपाना काढ़ सि पंख परा खग धरणी सुनि राम करि अद्भुत सीतई जान चढ़ाई बहोरी चला उताइल त्रास न तोरी करत बिलाप जाति नव सीता
याद विवश जनु मृगी सभी गिर पर बैठे कपिन निहारी कई हरि नाम दीन पटडा ये विदिशी तई सोले गयो कन्हैया अशोक महरा कतम भारी पराकल बहु विधि भय अरु प्रीति दिखाय तब अशोक पादप तर राक्ष जतन करा जे विधि कपट कुरंग संग दाई चले श्री राम सोच सीता राखी उर रखति रहति हरि नाम रघुपति अनुजहि आवत देखी बाहिज चिंता कीन विषेदी जनक सुता परिहर उवकेली आयहु तात वचन मम केली विषि चरण कर बिरहि बन माही मम मन सीता आश्रम नाही गहि पद कमल अनुज कर जोरी कहु नाथ कछु मोहि न कोरी अनुज समेत गए प्रभु तावा गोरावर तट आश्रम जावा आगुन खानी जानकी हाँ आश्रम देख जानकी ना वैर कल जस प्रारत जीना आगुन खानी जानकी सीता रूप शील गत नेम पुनीता लक्ष्मण समझाए बहु बाती पूछत चले लता तरुपाती हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी खंजन सुत कपोत मृग मीना मधुपन कर कोकिला प्रवीणा कुंद कली दाढ़ि दामिनी कमल शरद शशि अयामिनी वरुण पास मनोज धनु हंसा गज के हरि निज सुनत प्रशंसा श्रीफल कनक कदल हर साई नेकुन संत सकुच मन माई सुन जान की तोई बिन आयु हर से सकल पाए जनु राजु किम सही जात अनख तोई पाई या वेग प्रकट सिकस नाही यही विधि को जत बिल पत स्वामी मनहु महावी रही अति कामी पूरण काम राम सुख राशि मनुज चरत कर अज अविनाशी आगे परागी पति देखा सुमिरत राम चरण जिन रेखा राम चरण जन रेखा सुमिरत राम चरण जन रेखा कर सरोज सिर पर सेउ कृपा सिंधु रघुवीर निरखि राम छवि धाम मुखो विगत भई सब प्रिय श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम बधैया 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 है आज कुर्सी में बाजे बधैया 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 है आज कुर्सी में बाजे बधैया है आज कुर्सी में बाजे बधैया है आज कुर्सी में बाजे
भैया है, आज कुर्सी में बाजे भैया है, आज कुर्सी में बाजे आज आज मिथिला आज कुर्सी में बाजे बधैया है, जायो माता कैलासी ने छैया है, जायो माता कैलासी ने छैया है, आज कुर्सी में बाजे बधैया है, आज कुर्सी में बाजे बधैया है। लक्ष्मण त्रिपाठी के लाला भयो है, लक्ष्मण त्रिपाठी के लाला भयो है, लाला भयो है जी लाला भयो है, लाला भयो है जी लाला भयो है, भक्तन को सुख दैया है, भक्तन को सुख दैया है, आज कुर्सी में बाजे बधैया है, आज कुर्सी में बाजे बधैया है, आज कुर्सी में बाजे बधैया 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 है, बधैया 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 है, आज कुर्सी में बाजे बधैया है, आज कुर्सी में बाजे बधैया है। नै मिस मिसिर महिमा प्रगट भई, नै मिस मिसिर क महिमा प्रगट भई, नै मिस मिसिर क महिमा प्रगट भई, नै मिस मिसिर क महिमा प्रगट भई, मानो दधीच सुख दैया है, मानो दधीच सुख दैया है, आज कुर्सी में बाजे बधैया है, आज कुर्सी में बाजे बधैया है, आज कुर्सी में आज कुर्सी में बाजे वैष्णव कुल भूषण जायो छैया है, वैष्णव कुल भूषण जायो छैया है, आज कुर्सी में बाजे बधैया है, आज कुर्सी में बाजे बधैया है, आज कुर्सी में बाजे जायो माता कैलासी ने छैया है, जायो माता संबत 1975 शुभ दिन, संबत 1975 शुभ दिन, पौष शुक्ल षष्ठी सुहैया है,
भैया है आज कुर्सी में बाजे बधैया है कुर्सी में बाजे पिपरी बाबा पिपलाद प्रगट भए पिपरी बाबा पिपलाद प्रगट भए भक्तन को यश गैया है भक्तन को यश गैया है आज कुर्सी में बाजे बधैया है आज कुर्सी में बाजे बधैया है बधैया 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 है बधैया 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 है आज कुर्सी में बाजे बधैया है आज कुर्सी में बाजे बधैया है कुर्सी में बाजे नाभा कहें या प्रियादास नाभा कहें या प्रियादास गुरुदेव नाभा कहें या प्रियादास गुरुदेव नाभा कहें या प्रियादास या गुरुदेव नाभा कहें या प्रियादास या गुरुदेव नाभा कहें या प्रियादास या भक्त माली नाभा कहें या प्रियादास या भक्त माली भक्त माल रच भैया है धन्य भई माता कैलासी की कुंभ धन्य भई नाच मिल लो लुगैया है नाच मिल लो लुगैया है आज कुर्सी में बाजे बधैया है आज कुर्सी में बाजे बधैया है सब नाचे मंगल मोद मगन सब नाचे लक्ष्मण लुटावे रुपैया है हाँ लक्ष्मण लुटावे दे रुपैया है हाँ लक्ष्मण लुटावे दे रुपैया है हाँ लक्ष्मण लुटावे दे रुपैया है आज कुर्सी में बाजे बधैया वृंद मिल वेद उचारत विप्र वृंद मिल वेद उचारत ओम मां स्वस्ति न इंद्रो वेदस्रवा स्वस्ति नाम
सार संहार सहिया है बधैया
सीताराम 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 अपना थोड़े से भावों को जो कवित्र पहले लिखे थे उनको गुरुजी की उपस्थिति की वजह से सुनाना चाहते जहाँ साहब बैठे हैं गुरुजी बैठे हैं इसलिए मन में उत्साह हो रहा है कि सुना दें। वैसे गा चुके हैं लेकिन ऐसे लगता है कि जैसे विद्यार्थी अपना पाठ सुनाए तो गुरुजी प्रसन्न होते हैं ऐसा मन में आया। तो 2 मिनट का टाइम हम ले रहे हैं। जरूर जरूर। छप्पे भी लिखे हैं और पर कवित्र भी लिखे हैं। छप्पे एकाध छप्पे गाय देते हैं। गणेश दास भागवत धर्म भक्तमाल को ज्ञान भक्तमाल अब गाय भक्ति को रूप भयो जनु खान पान सम्मान दान सुख पावे हरिजन नम्र दीनता अवधि साधुता पर उपकारी भक्त तीर्थ उद्धार ग्रंथ लेखन रुचि भारी वेशधारी कामी कुटल सभी पायो मान गणेश दास भागवत धर्म भक्त माल को ज्ञान। आगे लिख रहे हैं ना भा अग्र दास की दो प्रिया दास सुख राशि भक्तमाल को स्वरूप भागवत व्यास हो श्री हरीशी टीका भक्त माल की प्रकाश की सब ही स्वीकार श्री जगन्नाथ गिरधारी हो गुण कर गदाधर से भागवत व्यास की दो भक्ति के प्रचार के नारद शोक व्यास हो गोविंद से गोवर्धन प्रति हरि दास बरी दास से रामानंद हमारे 2-4 छप्पे आप पढ़ लो हमारी खांसी आप इसमें कफ खांसी का बहुत जोर हो रखा है आपको बोलने में श्री गणेश दास भागवत धर्म भक्तमाल को ज्ञान भक्तमाल अवगाह भक्ति को रूप भयो जनु खान पान सम्मान दान सुख पावे हरिजन
नम्र दीनता अवधि साधुता पर उपकारी भक्त तीर्थ उद्धार ग्रंथ लेखन रुचि भारी वेशधारी कामी कुटिल सब ही पायो मान श्री गणेश दास भागवत धर्म भक्त माल को ज्ञान भक्त माल भागवत कथा को करी सके बखान नारद भक्ति प्रचार गुणाकर भट्ट गदाधर हरि बल्लभ ब्रजवास बल्लभाटी का हरि जस पुस्तक लेखन पठन जीव समरूप सनातन भक्तमाल गोविंद गोवर्धन हित धारो तन भूल भटक आए शरण राखे निज जन जान भक्तमाल भागवत कथा को करी सके बखान भक्ति थापनापन समुझे ब्रह्म पुत्र जनु अवतरे सज्जन सुहृद सुशील गंग सम पाप ताप हर वैष्णव सेवा खान पान धन बसन विनय कर पद्म पत्र ज्यो हंस दोष नहीं गुणनि विचारो भक्तन को सम्मान पत्र लिखी नेह निवार भक्तमाल पाठन पठन भक्त तीर्थ पुनि उद्धरे भक्ति थापनापन समुझे ब्रह्म पुत्र जनु अवतरे ब्रह्म पुत्र जनु अवतरे नाभा अग्रदास की धो प्रिया सुख प्रिया दास सुख राशि भक्त माल को स्वरूप भागवत व्यास श्रीधरी सिटी का भक्त माल की प्रकाश कीनी सब ही स्वीकारी श्री गिरधारी जगन्नाथ गुण निकर गदाधर से भागवत व्यास की धो भक्ति के प्रचारक जो नारद सुख व्यास गोविंद से गोवर्धन व्रती हरिदास वरिय सुर साधु सेवा रामानंद श्री गणेश साधु सेवा रामानंद श्री गणेश दास ध्याय इष्ट राम राम भद्र स्वभावशील तुलसी से राम भक्त दीनता निवास हो मिश्रित तीर्थ के दधीचि त्याग राशि की धोने मिस अरण्य सुत सौनक चुप व्यास कैलाशी लक्ष्मण त्रिपाठी कुल दीप मानो गोमती गंगा तीर कुरुसी ग्राम वास गुरु राम चरण दास हनुमान गढ़ी वास विद्या के दानी स्वयं श्री गणेश दास अति ही उदार सभी संप्रदाय भक्तिमान भागवत धर्म को स्वरूप गुण राशि हो बालक पढ़ावे स्वयं भोजन पवा बना पवावे दोष नहीं देखे मानो भक्त इष्ट व्यास हो भक्ति ग्रंथ संपादन रूप सनातन जीव रामानंद पुस्तकालय अध्यक्ष ब्रजवास हो भक्त जन आवे हंसी ये सो लगावे सदा पत्र लिखी प्रबोध पूज श्री गणेश दास इतने लिखे हैं बहुत लिखे हैं लगातार कई कवित्व कई शब्द तो और लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं जैसे पहले से कंठस्थ हो द्वारा पढ़ते भी नहीं द्वारा उसका कोई संशोधन भी नहीं करते ये विलक्षणता है गुरुदेव भगवान की कृपा है संस्कृत में भी बहुत अच्छा लिखते हैं अंग्रेजी में भी लिखते हैं हिंदी में तो लिखते ही
और अब समय अधिक हो रहा है, इसलिए केवल पूज्य श्री बक्सर वाले मामा जी, जिनकी कल हम लोगों ने चर्चा की थी, जिनकी अगाध निष्ठा श्री गुरुवर के चरण कमलों में। और कितनी विलक्षण बात है, जब पूज्य श्री महाराज जी का महाप्रयाण हुआ, उसके बाद जो प्रथम उत्सव मलुपीठ में मनाया गया, उसमें बड़ा विराट उत्सव हुआ, उसमें जगतगुरु रामानंदाचार्य पद पर विराजमान पूज्य श्री स्वामी हरियाचार्य जी महाराज, जो बहुत अच्छे विद्वान थे और हनुमत संस्कृत महाविद्यालय में प्रधानाचार्य थे, पहले विरक्त साधु थे बचपन के, पर विद्वान थे, प्रधानाचार्य हुए, बाद में फिर वो श्री रामानंदाचार्य पद के लिए उनका चयन हुआ, वे भी पधारे थे और अनेक आचार्य पधारे थे, भारतवर्ष के अनेक संप्रदाय आचार्य, सभी संप्रदायों के महापुरुष पधारे थे। पूज्य बक्सर वाले मामा जी की कथा थी, अद्भुत था वो प्रथम महाराज जी का उत्सव, जिन लोगों ने भी अनुभव किया है, उस उत्सव में ही ये विचार हुआ कि महाराज जी का स्मृति ग्रंथ प्रकाशित होना चाहिए। तो चरित्र लेखन वाली बात पूज्य श्री मामा जी ने दास को आज्ञा की कि भैया चरित्र तो तुम जो निकट रह कर के तुमने देखा है, उसको बिना किसी अतिरंजन के ज्यों का त्यों प्रस्तुत करने का प्रयास करो, क्योंकि आगे आने वाले समय में लोग विश्वास नहीं करेंगे कि इस युग में भी कोई ऐसी उच्च कोटि की रहनी से रहकर साधुता का परिपूर्ण रूप से निर्वाह कर सकता है, आगे की सदी के लोगों को विश्वास ही नहीं होगा, इसलिए उन साधकों के मार्गदर्शन के लिए तुम लिखो। हमने कहा महाराज जी हम तो जितने दिन रहे उतनी घटना तो कुछ जितनी स्मृति में लिख सकते हैं, पूरा चरित्र कैसे लिखें? बोले सब हो जाएगा, कोई चिंता मत करो। पूज्य बाबा नवेली शरण जी से चर्चा हुई तो यही निश्चय किया गया कि इस स्मृति ग्रंथ का संपादन पूज्य श्री मामा जी करेंगे। महाराज जी से प्रार्थना की कि इसका संपादन आपको करना होगा, सब लेख देखना, आपका अपना लेख और बाकी जो आप हमको चरित्र की आज्ञा दी तो हम कोशिश करेंगे कुछ लिखें। तो पता नहीं उनको भगवान जाने पहले से बोध था या क्या था, उन्होंने कहा कि ऐसा ही हठ है तो भले ही संपादन में नाम हमारा दे देना, पर हमारे पास समय बहुत कम है। पर ऐसा है कि सबसे पहला लेख हम दे देते हैं, सबसे पहला लेख हम दे देते हैं। संपादक सबसे पहला लेख देता है क्या? सारा ग्रंथ हो जाता तो संपादकीय अंत में लिखा जाता है, उन्होंने सबसे पहला लेख दिया। और हम बहुत व्यस्त रहते हैं और उनके भगवत धाम प्रयाण के बाद ही स्मृति ग्रंथ का कार्य आरंभ हुआ है, मामा जी के प्रयाण के बाद। तो वे स्वयं लिख करके और अपने काव्यमयी कुसुमांजलि श्री गुरु चरणों में अर्पित करके गए। और हम तो यही मानते हैं कि उनका दिव्य रूप से संपादकत्व रहा और उसी का यह दिव्य प्रभाव था कि पूज्य गुरुदेव का जो स्मृति ग्रंथ है वह अपने आप में अपूर्व है। अनेक स्मृति ग्रंथ छपते हैं लेकिन इतना मोटा, इतना विशाल का स्मृति ग्रंथ, सभी लेख उत्तम से उत्तम अद्भुत है। और पूज्य बाबा नवेली शरण जी के चरण में भी हम बार बार प्रणाम करते हैं कि उन्होंने संपादन का गुरुतर कार्य किया और इतना भले ही थोड़ा समय लगा लेकिन इतना उन्होंने उसमें श्रम किया कि वह ग्रंथ ऐसा स्मृति ग्रंथ, अनेक स्मृति ग्रंथ छपे, तमाम लोगों में पंचायत होने लगी, उंगली उठने लग गई, ऐसा क्यों लिख दिया, ऐसा क्यों लिख दिया, पर महाराज जी का ही एकमात्र स्मृति ग्रंथ ऐसा है जिसका सभी विद्वानों ने आदर किया और किसी ने उंगली नहीं उठाई।
नहीं तो कोई ना कोई बात तो किसी न किसी के प्रतिकूल हो जाती है। एक विलक्षण बात थी और इसमें गति प्रदान की पूज्य श्री रमण रीति वाले महाराज जी ने, महाराज जी का भी लेख आ गया था, दे दिया था उन्होंने भी। तो महाराज जी बोले भाई वो स्मृति ग्रंथ तो लेख तो ले गए पर हमारा स्मृति ग्रंथ हाथ में नहीं आया। तो हमने कहा महाराज जी वो तो लेख तो कुछ आ गए थे पर इसी बीच में पूज्य बक्सर वाले महाराज जी का महाप्रयाण हो रहा हो गया तो हमारे मन का उत्साह ही खत्म हो गया, कुछ नहीं आगे लिखना भी बंद कर दिया और विचार नहीं है। अरे राम राम तुम ऐसी बात आप ऐसी बात करते हो, ये तो ठीक नहीं। बक्सर वाले महाराज जी ने आज्ञा दी और तुम उसकी उनकी आज्ञा का पालन नहीं कर पा रहे हो, ये तो गुरुजनों की अवज्ञा हो गई। उनकी आज्ञा थी कि नहीं? और आप नहीं करोगे तो इससे क्या उनको प्रसन्नता होगी? शिष्यों का धर्म है कि वो गुरुजनों के यश का, उनके व्यक्तित्व का, कृतित्व का प्रकाश करें। आप अपने कर्तव्य से विमुख हो रहे हो, काम शुरू करो। अब बोले छपाई पाई में बड़ा वो होता है, नाटक होता है। कल हम भेज रहे हैं एक प्रेस वाले को, बस उसको समझा देना और काम शुरू करो, टाइप शुरू करवाओ और जो भी स्मृति ग्रंथ के प्रकाशन का व्यवहार होगा वो श्री रमण बिहारी जी की ओर से होगा। दूसरे दिन ही राधेश्याम प्रेस वाले उन्होंने भेज दिए, बड़ी प्रेस वाले थे दिल्ली के, उनके शिष्य थे, उनको भेज दिया। और जैसा उन्होंने कहा वो तो अति उदार हैं, अत्यंत उदारता पूर्वक सारा कार्य उन्होंने बहन किया। तो इन महापुरुषों की कृपा से ही स्मृति ग्रंथ प्रकाशित हो पाया और उनकी श्रद्धा महाराज जी के प्रति कैसी, पूज्य रमण रीति महाराज जी की। महाराज जी का प्रथम उत्सव कुर्सी गांव में हुआ, शताब्दी महोत्सव, वहीं से उत्सव शुरू हुआ था और जड़खोर गोधाम में सुमेरु महोत्सव के रूप में उत्सव पूर्ण हुआ। लगभग 1.5 वर्ष उत्सव चला। तो हम सबका भाव था कि उद्घाटन पूज्य रमण रीति वाले महाराज जी के द्वारा शताब्दी महोत्सव का उद्घाटन हो, शुभारंभ हो, दीप प्रज्वलन उनके हाथ से हो। और इतना भयंकर कोहरा था कि ट्रेन रद्द हो गई कोहरे के कारण। फ्लाइट भी नहीं उड़ रहे थे, जहाज नहीं उड़ रहे थे, ट्रेन रद्द हो गई। हमने भी निश्चय कर लिया कि इस धुंध में महाराज जी को परेशान करना बिल्कुल ठीक नहीं है। बोले क्या करें भाई, हवाई जहाज की भी सुविधा नहीं बैठ रही है और ट्रेन की, उनके महाराज जी आप कष्ट न करें। बोले ठीक है देखते हैं। रात्रि में फोन आया कि कोहरा बहुत ज़्यादा है, गाड़ी बड़ी धीमी गति से चल रही है, लेकिन हम गुरुदेव का नाम लेकर चल पड़े हैं और सवेरे तक कुर्सी पहुंच जाएंगे, समय से हम उद्घाटन कर देंगे, दीप प्रज्वलन कर देंगे। रात्रि में वो इस तरह से चलते नहीं हैं पर पूरी रात कोहरे में चल करके आए, विराजे और पूज्य गुरुदेव भगवान का जो घर है जहाँ उनका जन्म हुआ वहाँ पहुँचते ही भाव विवल हुए। ग्रह द्वार पर ही लौट कर उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया, फिर भीतर प्रवेश किया। बोले वो घर बताओ, कक्ष बताओ जहाँ बाबा प्रकट भए। कहाँ? बोले ये कमरा है, ये उस समय भगवान की पूजा वहाँ होती। बोले इस कमरे में महाराज जी का जन्म हुआ। पहले गांव में ऐसे ही जन्म हो जाते थे, कोई हॉस्पिटल थोड़ी ले जाते थे, गाँव में ही स्वाभाविक रूप से जैसे जन्म होते थे वैसे जन्म हो जाते थे। वहाँ थोड़ी देर बैठे, जप किया और फिर अब पहले से तो तैयारी नहीं थी, अब महाराज जी तो सहज ही वहाँ पहुँच गए, कीर्तन में बैठे और बोले कि जो कुछ बन रहा हो घर में, बना हुआ हो बासा कूसा, वो दे दो, हम भिक्षा लेके यहाँ से जाएंगे। रोटी बन रही थी, गरम गरम रोटी हाथ पे लिया,
पत्तल पे लिया, चटनी के साथ पाए, गुलगुला खाए और फिर वाह बोले, ऐसी भिक्षा यतियों के लिए भी दुर्लभ है, ऐसी पवित्र भिक्षा। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि चलो जिन महापुरुषों का नाम लेते वे तो आज शरीर में नहीं है, पर रमण रीति वाले महाराज जी का तो दिव्य जीवन और उनका व्यवहार, भले ही संसार में ऐसे लोग होते हैं कि सब सबकी समझ में नहीं आते हैं, लेकिन पूज्य बक्सर वाले मामा जी ने हमको 2006 का जो कुंभ था उस कुंभ में मलुक पीठ में पहाड़ी बाबा खालसे में मामा जी पधारे थे, तो हमको हमारे कंधे पर हाथ रख के सब जगह घूम रहे थे, कहाँ कहाँ क्या रसोई घर कहाँ है, भंडार कहाँ, कुठार कहाँ, प्रवचन कहाँ होगा, हम सब जगह उनको दिखा रहे थे। उस समय उन्होंने कहा था बक्सर वाले मामा जी ने, भैया एक बात कहें। हाँ, महाराज जी आ गया। बोले पूज्य श्री रमणीर्ति वाले महाराज जी ऐसे महाराज संत महापुरुष हैं जो व्यवहार और परमार्थ दोनों में बहुत ऊंची कक्षा में प्रतिष्ठित हैं। बहुत से संत होते हैं जिनका परमार्थ कमजोर होता है, व्यवहार पक्ष ही अच्छा होता है, तो कब व्यवहार अच्छा हो, व्यवहार अच्छा करते हैं पर परमार्थ में वो कमजोर होते हैं, पर उनका व्यवहार और परमार्थ दोनों पक्ष बहुत उन्नत हैं। इसलिए मेरे राम की इच्छा है कि उनमें आप गुरु भाव ही रखना, ये उनकी आज्ञा थी मामा जी की, और उनकी आज्ञा को गुरु आज्ञा के समान मानना है। तो यद्यपि पूज्य रमण रीति वाले महाराज जी से संबंध तो था दास का, हम आते जाते थे, वो भी पहचानते थे, अपना ही बालक के रूप में स्नेह भी रखते थे, लेकिन विशेष रूप में उनसे संबंध जोड़ने का श्रेय और वहाँ पहली बार कथा हुई, ये सब श्रेय इसके मूल में मामा जी, मानो उन्होंने सोचा कि हम तो जा रहे हैं और अब चलो इस बालक को वहाँ जोड़ कर चले जाएं, ये उन्होंने कृपा की। तो उन पूज्य मामा जी के शब्दों को, उनकी काव्य पंक्तियों को कहे बिना पूज्य गुरुदेव के उत्सव की पूर्णता नहीं हो सकती है। इस भाव से समय अधिक होने पर भी पूरी तो नहीं, लेकिन कुछ पंक्तियां हम पूज्य बक्सर वाले महाराज जी की कह करके और इस सत्र को विराम देंगे। श्री वृंदावन वास किय श्री बाबा गणेश दास जी, श्री वृंदावन वास किय श्री बाबा गणेश दास जी। भक्तमाल भागवत कथा जीवन गाए, भक्तमाल भागवत टीका करी भक्तमाल, भक्तमाली कलाए संतुष्ट अकिंचन पर उपकारी, लाभ संतुष्ट अकिंचन पर उपकारी, अतिशय सरल सुबोध सुहृद सुठी संशय हारी, अतिशय सरल सुबोध सुहृद सुठी संशय, भक्त बल्लभा टिप्पणी कीर्ति पता का जा सुखी, भक्त बल्लभा
कृष्ण दास जी श्री वृंदावन वास कियो श्री बाबा गणेश दास जी श्री बाबा गणेश दास जी बाबा गणेश दास। मामा जी की रचनाएं काव्य की दृष्टि से भी बहुत उत्कृष्ट नपी तुली और कहीं कोई ताल भंग स्वर भंग लय भंग नहीं, क्योंकि जो लिखते थे उसको पचासों बार गाते थे, ताल स्वर में बिठाते थे। ये बहुत वैशिष्ट है। जन्मभूमि कुरुसी ग्राम सीतापुर जनपद माही गोमती के तट पे निकट नैमिष अरण्य पौष शुक्ल षष्ठी तिथि माता श्री कैलासी देवी लक्ष्मण प्रसाद जी त्रिपाठी पिता धन्य जो कन्याकुब्ज विप्रकुल त्रिपाठी गया प्रसाद कन्याकुब्ज विप्रकुल त्रिपाठी गया प्रसाद प्रगट भय ऐसे जैसे दूसरों न अन्य जो प्रगट भय ऐसे जैसे दूसरों न अन्य जो वही मेरे बाबा भक्त माली श्री गणेश दास से गरीब नहित समरथ शरण जो हमसे गरीब नहित समरथ शरण जो। अब बाल्यकाल की कुछ बात महाराज जी लिख रहे हैं। शिक्षा ग्राम्य स्तर की हिंदी उर्दू चौथे वर्ग तक की शिक्षा ग्राम्य स्तर की हिंदी उर्दू चौथे वर्ग तक की लही के पहुंचे काशीपुरी उच्च शिक्षा हेतु लही के पहुंचे काशीपुरी उच्च शिक्षा हेतु। गांव में उर्दू चलती थी जमानों में तो चार दर्जा उर्दू पढ़े और उसके बाद गांव की ही प्रवेश एक छोटी संस्कृत पाठशाला थी उसमें प्रवेशिका में आपका प्रवेश हुआ लेकिन वहां मन संतुष्ट नहीं हुआ उस अध्ययन से तो बिना बताए आप काशी गए और काशी में फिर उन्होंने दीर्घकाल तक अध्ययन किया। कन्याकुब्ज संस्कृत विद्यालय माही संस्कृत पढ़े जीवन भयो सार्थक सावधान ओ सचेत जो पढ़ने का फल यही है कि जीवन भयो सार्थक सावधान ओ सचेत जो कंठी चित्र कूट दिए पंडित रामाधीन दास सेवा मिली कपिल मुनि की गंगा सागर से तुझो बेश भव विरक्त लक्ष्मण मंदिर गोवर्धन माही भक्त माली लही के फहरियो जग में कीर्ति के तुझो अवध की हनुमान गढ़ी पट्टी बसंतिया के गुरुवर सरपंच बाबा राम चरण दास जो नागापन की दीक्षा दिए
सदा सजग प्रहरी रहो, सेवा संत संस्कृत हरि की आस ओ विश्वास जू। छे छे माह सेवा मिली हनुमत की द्वार तहां, भय के चित्रकूट किए ब्रज में निवास जो। ब्रज की परिक्रमा ओ सेवन भक्त माल ग्रंथ, भक्त बल्लभासी टिप्पणी को भो प्रकाश जो। आगे का कवित्व तो बड़ा अद्भुत लिखा है। संतन के लक्षण शास्त्र संतन ने बताए जेते, संतन के लक्षण शास्त्र संतन ने बताए जेते, भरे कूट कूट रोम रोम नस नस में, भरे कूट कूट रोम रोम नस नस में, करुणा तितिक्षा शिक्षा दीक्षा ग्रंथ लेखन आदि, करुणा तितिक्षा शिक्षा दीक्षा ग्रंथ लेखन, सब ही निभाए जो संभव थे अपने बस में, आवे विक्षेप भले बड़े से बड़े परंतु, पढ़न दियो ना विघ्न भक्ति कब, पढ़न दियो ना विघ्न कब हूँ भक्ति रस में, सेवा सेवा शुश्रूषातन बचन कर्म मन प्राण, सहज में निभाए खेल खेल हंस हंस में, सहज में निभाए खेल खेल हंस हंस में। सेवा शुश्रूषा तन वचन कर्म मन प्राण, तन वचन कर्म मन और प्राण से सेवा शुश्रूषा का काम महाराज जी ने, सबकी सेवा, उसमें भेद नहीं। अब हम आपको क्या बतावें, महाराज जी कुछ भार लेके थैला लेके ग्रंथ का और ऐसे लटकाए हुए जा रहे थे डाकघर, और ये जो अरुणदेव हनुमान जी है ना, ये रंग जी की छावनी है, उसके पहले अरुणदेव हनुमान जी यहाँ ऐसी चढ़ाई है। तो एक 18-20 साल का एक लड़का होगा रिक्शा वाला, कोई बंगाली होगा, तो उसका ठिलिया वाला रिक्शा था, उसमें बहुत वजन था, तो उसका रिक्शा चढ़ नहीं रहा था, वो पीछे को कुराने लग गया। तो महाराज जी स्वयं पैदल थे और बड़ा भार उनके पीछे कंधे पर था, पर भार लेकर महाराज जी दौड़े और हम पढ़ने जा रहे थे धर्मसंघ वाले गुरु जी के यहाँ, हम रंग लक्ष्मी विद्यालय से उधर होके धर्मसंघ वाले गुरु जी के यहाँ पढ़ने जा रहे थे। तो देख मार पहचान में नहीं है कि महाराज जी हैं, पगड़ी बांधे थे, दौड़े बड़ी तेजी से और दौड़ कर अपना भार तो अपनी पीठ पर है और बड़ी जोर से धक्का लगा करके वहां तक ऊपर तक उसको चढ़ाया उन्होंने, और बोले हे उतरना नहीं उतरना नहीं, डरो मत डरो मत। और बस चढ़ गई गाड़ी, चढ़ गई बोले चढ़ गई गाड़ी, तो हम पीछे से दौड़ के, तब तक तो महाराज जी ने गाड़ी चढ़ा दी थी। अब हम आपसे पूछते हैं कुछ रिक्शा वाले से उनका क्या स्वार्थ था, संसार में कहीं भी कुछ भी होता है क्या स्वार्थ था उनका? लक्ष्मण मंदिर का केस चलता था गुरुजी, एक ही समय में 44 मुकदमे लक्ष्मण मंदिर के, वो भी दीवानी के, और महाराज जी मथुरा कचहरी जाते क्योंकि तारीखें पड़ती रहती,
तो वहां जाना पड़ता, हाजिर होना पड़ता। तो यहां से गिरिराज जी से लक्ष्मण मंदिर से बढ़िया परोठा साग नमकीन कुछ हलवा अचार लेके जाते, और जिनसे केस चल रहा है ब्रजवासी उनसे कहते भैया देखो बाजार का खाओगे पेट बिगड़ जाएगा, और ये लक्ष्मण जी की गैया का सुंदर घी का है, भगवान को भोग लगाया, हमारे अपने हाथ से बनाया, वो बढ़िया है, बहुत पवित्र है और भगवान का प्रसाद है, आप पाओ तो तुम्हारे पैसा भी बचेंगे और स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। ऐसा कोई कर सकता है जिसके साथ केस चल रहा हो, जो स्थान पर कब्जा किए पड़े हो, जिससे झगड़ा चल रहा हो, लड़ाई चल रही हो, उसको परोठा साग खिलाने वाला दुनिया में कोई है? अब उसको ये भी कहते कि देखो तुम्हारा केस कमजोर पड़ रहा है, वकील ठीक काम नहीं कर रहा है, ऐसे करना चाहिए, उसके केस को मजबूत कराते, और विचित्र बात। हाँ, यहां से महाराज जी जीत गए, सब केस जीत गए, तो हाई कोर्ट में उन लोगों ने इलाहाबाद में, जिसको अब प्राचीन पौराणिक नाम प्रयागराज योगी जी ने कर दिया है, तो प्रयागराज में केस पहुंच गए, तो वहाँ हाई कोर्ट में जाना पड़ा। तो गिरिराज जी के बड़े बाजार के जिनसे केस चल रहा था, ब्रजवासी बोले बाबा त्यारी तो मौज है, संतन के आश्रमन में रुक जाओ, वहीं खाईवे को मिल जाए, और हम तो मारे गए बाबा। कैसे? बोले धर्मशालान में होटलन में पैसा दे के रुकनों पड़े, रुपया देने पड़े, बाजार को खानों पड़े, कहा करें बाबा बड़े परेशान हैं। महाराज जी बोले परेशान मत हो, प्रयागे मुंडनम श्रेयः, प्रयाग में मुंडन का बड़ा महत्व है, भद्र हो जाओ, और ब्रजवासियों पे चारों संप्रदाय गिरवी हैं, चाहे जो जिक्षा आवे सो तिलक लगा लो, चाहे गौड़िया चाहे रामानुजी रामानंदी, कोई सतिलक लगा लो, और हम जहाँ रहते हैं वहाँ तुम्हारा आसन लगवा देंगे, बस हल्ला गुल्ला मत मचाना कि हम गृहस्थी हैं, तो वहीं आसन लगवा देंगे और वहाँ प्रसाद पंगत में मिल जाया करेगा, तो मुफ्त में रहने की मुफ्त में खाने की व्यवस्था हो जाएगी। ऐसा कौन कर सकता? अजात शत्रु। बोले हमारी आपसे शत्रुता नहीं है, तुम लक्ष्मण जी की भगवान की संपत्ति पर कब्जा किए हुए पड़े हो, कुछ देते नहीं हो, स्थान की ऐसी स्थिति है, तो आप भगवान को मालिक स्वीकार करो, भगवान के सेवक बन के रहो, ये महाराज जी का बात पक्ष था। और हाई कोर्ट से गुरु जी जीत गए महाराज जी, और हाई कोर्ट से जब जीते तो बेदखली का आर्डर आ गया, सबको बेदखल किया जाए पुलिस के द्वारा। आप सोच सकते हैं कि बेदखली का आर्डर हो जाए कोर्ट के द्वारा, कठोर आर्डर हो जाए हाई कोर्ट के द्वारा, तो जो जीता हुआ पक्ष है उसके मन में कितनी खुशी होती है, अब हम अपने ढंग से दुकानें तोड़ के बनाएंगे अपने ढंग से, बहुत से विचार होते हैं। और जब खाली करने का आदेश हो गया, बेदखली का आदेश आया कोर्ट का, वो सब आके महाराज जी के पास रोने लगे, बाबा हमारे पुरखान की दुकानें हैं, बाबा छोड़ के कहाँ जाएं, भूखे मर जाएंगे। बोले कोई बात नहीं, हम तुमको भगाना थोड़ी चाहते हैं, हम किसी ब्रजवासी को दुख नहीं देना चाहते हैं, देखो ऐसा है पुराना जो किराया तुम दे रहे थे वही पुराना किराया, जितना बकाया है उतना जमा कर दो, लक्ष्मण जी को मालिक स्वीकार कर लो। महाराज जी के गुरु भाई गढ़ी के पंच लोग नाराज हो गए कि इन्होंने इतनी लड़ाई लड़ने के बाद और ये हार गए। महाराज जी के लिए कहा, अरे इनको तो बेदखली करके ही मानना चाहिए था, नई दुकानें बनती, नया किराया, नए किराएदार आते और सब बात थी, लेकिन लोगों ने कहा गलत किया महाराज जी ने, पर गलत नहीं किया। सच्ची बात है कि जिनको महाराज जी ने पुनः दुकानें दी उनकी श्रद्धा ऐसी हो गई महाराज जी के प्रति, हम अपने कानों से सुनी हुई बात बता रहे हैं। बड़े बाजार के बड़े बूढ़े थे, अब तो पधार गए, कहते बाबा हम तो गिरिराज बाबा में और महाराज जी का नाम लेते अमुक बाबा में अंतर नाए समझें, हमारो जो गिरिराज बाबा है वही गणेश दास बाबा है, ऐसे बोलते ब्रजवासी, हम तो अंतर नाए समझें।
देखो बाबा, हम तो सूदम सट बोले, ऐसे बोलते गांव के लोग, हमने या तो पंडित जी को मानो या बाबान को मानो, दूसरे हम संतन को संत को ना माने, ऐसे कहते। और आपको अनुभव होगा, जो लोग महाराज जी की अंतिम यात्रा में थे, पूरे 7 कोस के गिरिराज के ब्रजवासी महाराज जी की अंतिम यात्रा में थे, बरसाना, नंदगांव, कहाँ कहाँ, हमने अपने नेत्रों से किसी भी अत्यंत प्रसिद्ध महापुरुष की अंतिम यात्रा में ब्रजवासियों की इतनी उपस्थिति नहीं देखी। हमारे बाबा, हमारे बाबा, हमारे बाबा, हमारे परासोली गांव के ब्रजवासी कहते, भैया बाबा ठाकुर दास जी कहते महापुरुष हैं तो हम मान लेते, सुन लेते, भैया महापुरुष हैं, हमें तो दिखते ना है महापुरुष, हमें तो असल तो हमारे घर के बड़े बूढ़े डोकरा हैं, हम तो अपने घर को बड़ो बूढ़ो समझते महाराज जी, बाबा हमारे अपने घर के हैं। ऐसा ब्रजवासियों का प्रेम किसी ने नहीं प्राप्त किया, धन्य है, अद्भुत जीवन था। अब न आंख तरी आवत को दूसरा उदाहरण उपलब्ध नहीं होता है। हा क्या कहना, ऐसी सेवा शुश्रूषा तन मन वचन कर्म मन प्राण से उन्होंने सेवा की, सबकी सेवा, गृहस्थ विरक्त का भेद नहीं, जाति का भेद नहीं, किसी भी दुखी प्राणी की। अब हम क्या कहें, कितने बात कहें, गुरुजी महाराज जी बाहर का जल नहीं पीते थे, माने शौचाचार बड़ा अद्भुत था, शौच के बाद कितनी मिट्टी का प्रयोग करना चाहिए, कहां कहां मिट्टी लगाना चाहिए, जहां लिखा है वो सब यथावत पालन करते थे उसका। हमने कल एक दो दिन पहले कही था कि ठंडी में भी उनको शुद्धि करने, स्नान करने में 1-1.5 घंटा लगता था, यानी कि थोड़े बहुत पानी से काम चला लें, पर्याप्त मिट्टी, पर्याप्त जल। किस विषय में कह रहे थे हम तो भूल गए, क्या कह रहे थे, हाँ, तो महाराज जी बाहर का जल पीते नहीं थे, जहां से चलते वहीं से पवित्र जल एक कमंडल में भर लेते और फिर पूरी यात्रा में वही जल का उपयोग लेते, स्टेशन का जल नहीं लेते और बाहर किसी अपरिचित का जल तो लेने का प्रश्न ही नहीं। और हम महाराज जी के साथ थे, सप्ताह कथा कह के राजस्थान से चले, मरुधर एक गाड़ी चलती है, मरुधर में बैठे, भयंकर गर्मी थी, जेठ का महीना था, जून का महीना, लपट चल रही महाराज, और महाराज जी रिजर्वेशन में तो यात्रा करते ही नहीं थे एक तरह से, स्टेशन पे जाके जनरल का टिकट ले लिया और जनरल डिब्बा में बैठ गए, जनरल डिब्बा में यात्रा होती थी महाराज जी के साथ। अब तो हम सोचते हैं कि हमारे निकट इस समय जो लोग रह रहे हैं उन्होंने बड़ी तपस्या करी होगी पुण्य, अब तो ये सब एसी फर्स्ट में चलते हैं, एसी टू टीयर में चलते हैं, हम महाराज जी के साथ जनरल में चलते थे। बहुत लंबी गुजरात वगैरह की यात्रा हो तो स्लीपर में टिकट होता था, स्लीपर में वो भी एसी में नहीं, और नहीं तो महाराज जी जनरल की यात्रा ही करते थे, जनरल डिब्बा में स्टेशन पे जाके टिकट, अच्छा हम लोगों को खड़ा कर देते, स्वयं लाइन में लग जाते, कपड़े की गांठ में खोल के पैसा निकालते, सबका टिकट ले लेते, टिकट खुद खरीदते थे, हम लोगों को बिठा देते थे। तो बैठ के आए, जनरल डिब्बा में थे, बड़ी जनरल में भीड़ तो होती है स्वाभाविक है, गर्मी का समय था, लपट चल रही थी, एक मुसलमान स्त्री, उसके कितने बच्चे थे हमको तो अभी याद नहीं है, 5 थे कि 7 थे कि 8 थे, कई थे, मतलब पूरी संख्या ठीक ठीक अभी भी याद नहीं, बहुत बच्चे थे उसके, बड़ी गरीबनी थी, उसके बच्चे पानी के लिए तरस रहे थे, बीच में एक जगह ट्रेन रुकी तो नीचे वहां रेलवे स्टेशन पर पानी नहीं था, तो वो दुखी थी पानी के लिए, भैया कोई पानी, हमारे बच्चे प्यासे हैं, पानी कोई कौन सुनने वाला है, ट्रेन में कौन सुनता है। महाराज जी ने जैसे ही देखा कि ये प्यासे हैं, बच्चे प्यासे हैं, तत्काल बोले पंडित जी हमारा कमंडल लाओ, बड़ा डिब्बा था पानी का, उसमें डिब्बा भरा हुआ था,
तो महाराज जी कहो भैया अपना पात्र ले आओ, अपना बर्तन। तो उनके पास वो प्लास्टिक का डिब्बा जैसा था, उन्होंने किया मग्गा जैसा था, तो महाराज जी ने उसमें जल डाल दिया, बच्चों को पिलाया, खुद पिया। वो तो सब प्यासे थे, पूरा कमंडल पी गए। ये भी नहीं महाराज जी ने कहा कि थोड़ा पी लो, थोड़ा हमारे लिए छोड़ो, भाई तुम तो दूसरी जगह ले भी लोगे, हम तो दूसरा पानी लेते नहीं हैं, तो हमारा क्या होगा, यह परवाह नहीं की। सारे कमंडल का जल खाली कर दिया, दे दिया। अब लगी प्यास, मथुरा स्टेशन में उतरे तो हमारी तो जीभ तालू से चिपक रही थी, एकदम कंठ सूख रहा था प्यास के मारे। महाराज जी ने देखा पंडित जी को प्यास ज्यादा लगी है, तो बोले देखो ये धाम है, मथुरापुरी है, यहाँ स्टेशन के नल के पानी से कुल्ला किया जा सकता है, थोड़ी शीतलता आ जाएगी। ये धाम का मथुरापुरी है ना, ये धाम का स्टेशन है, यहाँ के पानी का प्रयोग किया जा सकता है, खुद नहीं किया। तो हमने वहाँ थोड़ा कुल्ला किया, मुँह धोया, पिया नहीं जल। और जब आए सुदामा कुटी विराजते थे महाराज जी, सुदामा कुटी आए तो हमसे बोले अब पंडित जी स्नान ध्यान करो। हमने कि महाराज जी बहुत जोर की प्यास लग रही पहले तो, अरे बोले बिना स्नान संध्या के ब्राह्मण को साधु को भूख प्यास नहीं लगनी चाहिए, लेकिन चलो अब तुमको लग रही है, आपत धर्म है तो पी लो, बिना शौच गए भी कुछ पी लो, कोई बात नहीं है। तो महाराज जी ने नींबू की शिकंजी बनाई, थोड़ा उसमें रामरस नमक भी छोड़ा, थोड़ा शक्कर भी छोड़ी, और नींबू की शिकंजी बनाकर बाहर तुलसी के नीचे गिरिराज बाबा थे भोग लगाया। बोले भैया गिरिराज जी को भोग लगा दो हमको एक गिलास। बोले दातुन आतुन पीछे करना, पहले पी लो, बहुत प्यास लग रही है। और उस समय महाराज जी ने कहा था कि तुमको क्या भूख प्यास का अनुभव भी है, हम काशी से पैदल चलकर विंध्याचल आए थे, मार्ग में कुछ खाया पिया नहीं, तो भूख प्यास के मारे प्राण छटपटा रहे थे, तो गंगा जी के किनारे की मिट्टी खाकर अपनी भूख बुझाई थी और गंगा जल पी करके प्यास बुझाई थी। दो दिन तीन दिन के बाद मिट्टी खाई और गंगा जी का जल पिया। तुमको अभी मिट्टी खाने का अवसर नहीं आया। गुरुजी कर्म के प्रति इतने सावधान थे, संध्या का समय हो गया, संध्या करो। महाराज जी तो ट्रेन चल रही है, संध्या कैसे करें। बोले आंख मूंद करके बैठ जाओ, मानसी में वृंदावन पहुंच जाओ, यमुना जी में स्नान करो, तिलक धारण करो, और बस जो नियम करते हो घंटा डेढ़ घंटा का पूरा नियम कर लो, मानसी नियम कर लो, लेकिन जप पाठ सब कर लो। धन्य है। तो ऐसा प्राणी मात्र में भगवत भाव का दर्शन किए बिना इस प्रकार की बात नहीं हो सकती, जिनसे कोई स्वार्थ नहीं है, जिनसे कोई लेना देना नहीं है, उनको इस प्रकार से दया करुणा करके करना, ये सबके बस की बात नहीं है। एक एक बात विलक्षण है। तड़क भड़क कॉलेश तनक हु पसंद नाही, अतिशय सामान्य सरस जोर नहीं और पे, सादगी सरलता सत्य समदम संतोष आदि, सील सदाचार सदा सिमटे एक ठोर पे, साहस सराहनीय संस्कृति साहित्य सेवा, सही के सिर फिरे हूँ के नखड़े सभी तौर पे, नेह निधि नारायण दास निज सराहे भाग्य, सब विधि न्यौछावर ऐसे सदगुरु सिर मोर पे, सब विधि न्यौछावर ऐसे संत सिर मोर पे, चिंता में न डूबे नहीं उवे कब हूँ जीवन में, प्यारे मन सूवे मन के बहुत ऊंचाई पे, शंका समाधान सही उत्तर सहज चुटकी में,
भागवत धर्म पालन खरो ओ खरो ओ सच्चाई पे। शंका समाधान इतना बढ़िया करते थे महाराज जी। एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज क्या करें, जैसे ही माला फेरते हैं नींद आना शुरू हो जाती है, कथा सुनते हैं नींद आना शुरू हो जाती, बड़ी ग्लानी होती है। महाराज बोले तो सौभाग्य की बात है जो ग्लानी होती है, अच्छी बात है। तो महाराज जी ये नींद क्यों आती है? तो महाराज जी बोले हम आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य देंगे, पर आप पहले हमारे प्रश्न का उत्तर दें। कब? पूछो महाराज। बोले नोट गिनने में नींद क्यों नहीं आती है? जब व्यक्ति रुपया गिनता है तो उसको नींद क्यों नहीं आती है? माला में भी तो गिनता ही है कि नहीं? गिनती है। तो कथा सुनने में, जप करने में नींद आती है, नोट गिनने में नींद क्यों नहीं आती है? हंसने लगे व्यक्ति, बोले हमारे ये बात तो सही है, नोट गिनने में नींद नहीं आती, ले इसलिए नहीं आती है क्योंकि लगता है कि अब हमको देना है, कहीं ज्यादा न चला जाए और कहीं कमती न रह जाए, ये सब सावधानी रहती है। तो रुपयों के प्रति महत्व बुद्धि होने के कारण और रुपया गिनने में नींद नहीं आती। भजन के प्रति, कथा के प्रति महत्व बुद्धि उत्पन्न हो जाएगी तो नींद नहीं आएगी। एक सज्जन बोले महाराज जी वो रामार्चा की कथा में लिखा कि शंकर जी का प्रसाद पाने वाला कुत्ता हो जाता है। महाराज सुन के हमको तो बहुत खराब लगा, बताओ शंकर जी का प्रसाद खाने वाला कुत्ता हो जाता है तो महाराज क्या करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए क्या? महाराज जी बोले कौन ऐसे बढ़िया कर्म हम कर रहे हैं कि जो इंद्र महेंद्र बनेंगे, भजन तो करते नहीं हैं, तो सूकर कूकर ही बनना है। शिव जी का प्रसाद खा के कुत्ता बनेंगे तो महंगे वाले कुत्ता बनेंगे, बहुत मूल्यवान कार में घूमेंगे, सावन लगा के नहाएंगे, दूध रोटी खाएंगे। ये तो हंसकर कहा उन्होंने। फिर बाद में उन्होंने कहा है? जी जी। तो महाराज जी ने फिर शास्त्रीय समाधान बोले देखो वैष्णव का धर्म है कि वह देवतांतर का प्रसाद न ले। जैसे पतिव्रता नारी पति का ही उच्छिष्ट लेती है, ऐसे वैष्णव का धर्म है कि देवतांतर का प्रसाद न ले, शास्त्र में यही बात है। तब वैष्णव को क्या करना चाहिए? बोले किसी भी देवता को अमनिया निवेदित करोगे तो वह स्वीकार तो कर लेगा पर प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार नहीं करेगा, इसलिए पहले तुलसी जल पधराकर भगवान नारायण को निवेदित कर दो, अब फिर कहो कि महाराज भगवत प्रसाद है आप लीजिए। तो भगवान को भोग लगाने, और शास्त्रीय प्रमाण है कि शालिग्राम शिला के सहित यदि भगवान शिव की पूजा की जाए और भोग लगाया जाए तो वो प्रसाद लेना निषिद्ध नहीं है, वहाँ चंडाधिकार नहीं है। तो बोले भगवान को निवेदित करके तब देवी को, तब देवता को भोग लगाओ, हरि प्रसाद रस स्वाद के भक्त थे परमान, उसमें शिव जी भी हैं, प्रसाद निष्ठ भक्त हैं, प्रसाद पाओ, कोई परेशानी नहीं। और एक बात और कही कि जो देवी देवता भगवत प्रसाद लेने में संकोच करे, नहीं लेवे, ऐसे देवी देवता का प्रसाद लेने की आवश्यकता नहीं। कितना बढ़िया समाधान। तो प्रत्येक समाधान शास्त्रीय और दुराग्रह शून्य वो किया करते थे। शंका समाधान सही उत्तर सहज चुटकी में, भागवत धर्म पालन खरो ओ सच्चाई पे, करिके रसोई अपने हाथन आश्रित छात्रन को, प्रेम ते जिमावे कछु भी राखे ना कचाई पे, सुख दुख लाभ हानि में ना हरस विषाद कहूं, ध्यान रहे सदा अपने पौधन की सिंचाई पे,
ध्यान रहे सदा अपने पौधन की सिंचाई पे। बास भो सुदामा कुटी वंशी वट यमुना तट कीन्ही प्रतिष्ठा रामानंद पुस्तकालय की चार खंड टीका करी पूर्ण भक्त माल की जब श्री रामेश्वर दास किए यात्रा हिमालय। श्री रामेश्वर दास जी रामायण जी महाराज भक्तमाल ग्रंथ के व्याख्याकार हैं, पर द्वितीय खंड अभी पूरा नहीं हो पाया था, प्रथम खंड पूरा हो गया था, द्वितीय खंड में कार्य चल रहा था, उसी बीच में वो अकस्मात अज्ञातवास में चले गए, तो द्वितीय को भी पूरा किया महाराज जी ने, तृतीय खंड को भी पूरा किया, चतुर्थ खंड को भी पूरा किया और सर्वत्र चारों खंडों में व्याख्याकार के रूप में पूज्य रामायण जी को ही लिखा, अपने को सब जगह टीकाकार भी लिखा। नहीं तो लोग कहते कि अब तो वो गए, अब हम ही टीका व्याख्याकार सब हम ही हैं। और कोई कहता कि महाराज जी बहुत अच्छे, अरे ये तो श्री रामेश्वर दास रामायण जी बड़े विद्वान, बड़े अद्भुत वक्ता, सब उनका प्रसाद है, पंडित जी महाराज की कृपा है, हम तो क्या है, हमने क्या लिखा है, ऐसा कहते हैं। अपने कभी श्रेय नहीं लेते, वही बात कह रहे। शिलान्यास पूर्वक प्रतिष्ठा ओ अध्यक्षता हूँ सम्यक निर्वाह अमित मंदिर देवालय की बक्सर व्याहोत्सव गोवर्धन गौशाला आदि श्री सूरश्याम गौशाला के प्रथम संस्थापक अध्यक्ष पूज्य गुरुदेव भगवान देते हैं गवाही इन अमित गुणालय की। कभू हिम्मत न हारे हरि नाम ना विसारे, कभू हिम्मत न हारे हरि नाम ना विसारे, भक्त माल के सहारे कितने अगतिन को तारे, दीन बेसहारे जो गरीब हैं बिचारे, किंतु भक्ति भाव धारे उनके घर घर पधारे, किंतु भक्ति भाव धारे उनके घर घर पधारे। हैसियत बिना हैसियत बिचारे बिना, इनकी क्या हैसियत है, रेल बस भाड़े बिना, न आने जाने का किराया भी नहीं दिया रेल का न बस का भाड़ा, झेले खर्च सारे ज्ञान यज्ञ हु विस्तारे, ऐसे गरीबों को भी भागवत सप्ताह की कथा सुनाई। समस्या के मारे जो थे डूबत मझधारे, तिन्हें लगा के किनारे अस सौहार्द उधारे। श्री गुरुदेव भगवान की जय। परम पूज्य श्री मामा जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। बस अब जय जय श्री राधे। जय जय श्री सीताराम। अब समय 7 बज रहे हैं, इसलिए यही परिपूर्ण हो रहा है यह आयोजन उत्सव गुरुदेव का मंगलमय स्मरण करके। अभी जीतू भाई हकू भाई बैठे हैं, कितने वर्ष तक महाराज जी पधारे हैं? 22 वर्ष लगातार इन लोगों के घर पधारे और मालिया तो 8-10 दिन रुकते थे कम से कम, और कहते हमको सबसे अच्छा इसी गांव में लगता है, तालाब में स्नान कर आते, घूमे आते और सत्संग होता, बहुत प्रसन्न रहते।
उतनी सुविधाएं भी कहाँ थी उस समय गाँव में, लेकिन बड़े प्रसन्न हुए। धरांग धरा में जाए तो जीतू भाई के घर में रुकते, उपला भाई के घर में रुकते, जहां कह देते वहां रुकते, बड़े प्रसन्न होते। गोपाल मास्टर बन गए तो बड़े खुश हुए, बोले वाह मास्टर बन गए, बहुत अच्छा हुआ। ब्राह्मण के लिए और दूसरी नौकरी अच्छी नहीं है, मास्टरी का काम बढ़िया है। शिक्षा कोई ब्राह्मण की नौकरी लगे और वो अध्यापक हो जाए तो महाराज जी बड़े खुश होते थे, कहते चलो भगवान ने वर्ण के अनुरूप वृत्ति दे दी। अध्यापक से बड़े खुश होते थे। और गुरुजी एक विलक्षण बात थी महाराज जी की, संस्कृत पढ़ाने वाले जितने हैं सबको महाराज जी गुरुजी बोलते थे। अब परम पूज्य श्री मिश्री जी गुरुजी आते थे तो कभी महाराज जी मिश्री जी गुरुजी से पढ़ने थोड़ी गए। अब पूज्य मिश्री जी गुरुजी तो महाराज जी के प्रति गुरुभाव रखते हैं और बार बार महाराज जी के पास मिश्री जी गुरुजी आते थे और वर्ष में कम से कम 2-3 बार महाराज जी को घर में प्रसाद पवाते थे बड़े भाव से। पर मिश्री जी को हमेशा गुरु जी कहते, महाराज जी धर्म संघ वाले गुरु जी को हमेशा गुरु जी कहते, श्री गिरिराज जी गुरु जी को सदा गुरु जी कहते। किसने कहा महाराज जी आप तो इनसे पढ़ते नहीं, बोले देखो संस्कृत पढ़ाने वाले सब गुरु जी क्योंकि हम बनारस में विद्वानों के ही चरणों में बैठकर कुछ पढ़े हैं तो संस्कृतज्ञ जितने हैं वे सब गुरु जी। ऐसा विद्वानों का आदर हम आपको क्या कहें। महाराज जी जब विराजते थे और महाराज जी के अध्यक्षता में भक्तमाल जयंती होती थी सुदामा कुटी में और रामानंद जयंती तो प्रतिवर्ष दो उत्सव होते ही थे तो वृंदावन के बड़े बड़े विद्वान किसी को लेने नहीं जाना पड़ता था, सहज ही महाराज जी का संदेश पहुंचा नहीं कि सब सहज ही पधारते थे और सबका एक ही आकर्षण होता था उत्सव का तो है, सीधे सुदामा कुटी में आए ठाकुर जी का दर्शन तो पीछे सीधे महाराज जी के पास पहुंचते और इसी लोभ से आते, चाहे श्री रामानुज गुरु जी हों, चाहे श्री मिश्री जी गुरु जी हों, चाहे पूज्य श्री गिरिराज जी गुरु जी हों, सभी महापुरुष आते तो पहले महाराज जी के पास घंटा डेढ़ घंटा बैठते, फिर महाराज जी के साथ नीचे उत्सव में जाते, महाराज जी उनका पूजन करते, नीचे बैठ जाते ऐसे हाथ जोड़ करके और पूरी कथा श्रवण करते। अब उसमें किस विद्वान ने क्या कहा उसको पत्र में लिख करके, गुजरात वगैरह चिट्ठी लिखते तो सत्संग की बात लिख करके भेजते थे, किस विद्वान ने क्या लिखा। हम लोग जिस स्थान में बैठे हैं ये वृंदावाटिका है, यहाँ एक महापुरुष रहते थे श्री रामानुज संप्रदाय के परम पूज्य स्वामी श्री शरदाचार्य जी महाराज, आपने भी उनका दर्शन किया होगा। यहाँ हाँ गौर वर्ण के थे, आयु बड़ी थी, आपने तो किया उनका दर्शन, लंबे थे पूरे, बड़े साफ स्वच्छ रहते थे और 5 गायत्री के पुरस्करण, 31-31 लाख जब के 5 पुरस्करण, 24 लाख नहीं 31-31 लाख जब के 5 पुरस्करण गाय का दूध पी करके इसी स्थान में रह के उन्होंने किए थे। गाय रखते थे देसी गाय, बड़ी सुंदर गाय, दूध ही लेते थे और कुछ भी नहीं आर लेते, न नमक न मिर्च न मीठा न साग न भाजी कुछ नहीं, केवल दुग्ध है। और ऐसा दिव्य स्वरूप चमकता हुआ उनका ललाट था, संस्कृत तत्सम शब्दों का ही प्रयोग अधिक करते थे, बड़ी परिष्कृत भाषा थी उनकी, महाराज जी के प्रति बड़ी श्रद्धा रखते थे, पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज के प्रति और पूज्य भक्तमाली जी दोनों महापुरुषों के प्रति बड़ी श्रद्धा रखते थे, उनके नाते से हमारे प्रति भी बड़ा प्रेम। यहाँ विद्यार्थी भी रहते थे, गाय भी रहती थी और महाराज गायत्री का पुरस्करण 5 पुरस्करण जब 31-31 लाख के 5 पुरस्करण उनके पूर्ण हुए थे तो इसी वृंदावाटिका में पूज्य श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज पधारे थे और श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी की अध्यक्षता में
सभा हुई थी, काशी के विद्वान थे, प्रयाग के विद्वान थे और उधर पूरी तरफ के भी विद्वान थे, बड़े बड़े विद्वान एकत्र थे। उसमें दास भी सभा में उपस्थित था, पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी भी उपस्थित थे और गायत्री पुरस्करण 5 पुरस्करण पूरे हुए थे, उसका उत्सव था। तो पूज्य स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी का प्रवचन सुनने का भी अवसर मिला, ब्रह्मचारी जी का प्रवचन सुनने का अवसर मिला। ब्रह्मचारी जी भी गायत्री के परम उपासक थे। 12 वर्ष तक बिल्व पत्र खाकर, बिल्व फल खा करके उन्होंने गायत्री का जप प्रयाग में किया था। लगभग 300 ग्रंथ लिखे उन्होंने। उनका जीवन भी बड़ा विलक्षण था, श्री प्रोदत्त ब्रह्मचारी जी का। उनका भी वक्तव्य सुना, हमसे बड़ा स्नेह करते थे, हमसे कहते थे कि हमको राघवेंद्र दास बोलते थे। बोले ठीक है, गुरुजी ने आपका ये नाम रखा है राजेंद्र फिर दास, ठीक है, अच्छी बात है, पर हमको राघवेंद्र शब्द ज्यादा प्रिय है, इसलिए हमको कहते थे श्रीमान राघवेंद्र दास जी महाराज आइए विराजिए, ऐसे बोलते थे। बैठ जाए तो कुछ अस्वस्थ थे, उनके पुत्र भी थे गोपाल जी, फौज में बड़े अधिकारी थे, बाद में वो भगवत धाम पधार गए और उनकी गृहिणी भी पधार गई और गृहस्थ थे वो और वानप्रस्थी जैसे रहते थे। एक पुत्री उनकी, पुत्री वाराणसी में विवाही थी किसी अच्छे श्रीमंत विप्र परिवार में। जब वृद्ध हो गए तो उन्होंने हमको, हमसे स्नेह रखते थे तो हमसे उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि ये स्थान तुमको लिख दूं। तो हमने कहा महाराज जी, स्वामी जी झगड़ा खड़ा हो जाएगा, कोई कहेगा अमुक संप्रदाय का स्थान अमुक व्यक्ति ने ले लिया। बोले नहीं, इसमें तो किसी मठ मंदिर का नहीं है, मेरी व्यक्तिगत संपत्ति है, मैं जिसको भी दूं उसको दे सकता हूं। बस यहां ब्राह्मणों की सेवा होती रहे, यहाँ विद्यार्थी रहे, यहाँ ब्राह्मणों की सेवा होती रहे, जो प्रवृत्ति चल रही है वो चलती रहे। तो हमको मन में थोड़ा संकोच था कि ये उनकी पुत्री हैं, उस पर अधिकार, उनकी संतान का पहला अधिकार है, पुत्री का अधिकार है, और किसी का अधिकार हम ले में ये ठीक नहीं। तो फिर हम कम आना जाना यहाँ कर दिए। उनकी बड़ी इच्छा थी कि ये हम ले लें, हमने लिया नहीं। उनके जीवन काल में वो पधार गए, वैकुंठवास हो गया उनका और उनके जामाता आए तो थोड़ा मोड़ा कुछ उत्सव करके इसको बेचने की तैयारी उन्होंने कर दी। पर इतनी अधिक राशि बता रहे थे कि हमारे पास तो व्यवस्था ही नहीं थी। तो मन में तो हुआ कि इस स्थान को बचा लिया जाए, लेकिन फिर स्थिति खरीदने की नहीं थी, नहीं ले सके। तो 3 वैश्यों ने मिलकर इस जगह को खरीदा, दूसरे लोगों ने खरीद लिया और वो बेच बाज के यहां से चले गए। और इसके बाद श्री यमुना जी ने विशेष कृपा की, पुरानी गौशाला जलमग्न हो गई, गायों के लिए बड़ी असुविधा होने लगी। तो श्री रसिक माधव दास जी से कहा कि कोई निकट में कोई जगह मिले जहां गाय खड़ी हो सके। तो उन्होंने कहा कि निकट में एक जगह तो है, जिन लोगों ने ली थी उन्होंने तो बेचने के हिसाब से ली थी गुरुजी, 3 लोगों ने मिलकर ली थी, लोग जमीनों का काम करते, उनको इस मोहल्ले में अच्छे दाम मिले नहीं। उन्होंने कहा चलो हम तो जैसा लिया वैसा ही दे देंगे, कोई खरीदने वाला मिल जाए। तो श्री रसिक माधव दास जी की मध्यस्थता में इस स्थान को पुनः प्राप्त किया गया, जो भी सेवा थी कही गई वो दे करके इस स्थान को प्राप्त किया गया। तो कल हमारे मन में ये विचार आया कि देखो उनके मन में प्रबल इच्छा थी, स्वामी शरदाचार्य जी के मन में, कि इसको हम ले लें तो घूम फिर के, इतना घूम फिर के पुनः भूमि दास के निकट आ गई और आज संतों की जूठन भी यहाँ गिर रही है, ब्राह्मणों की सेवा भी हो रही है,
और गुरुदेव का उत्सव हो रहा है, इतने वैष्णव लोग बैठ करके भगवत भागवत चरित्र श्रवण कर रहे हैं, तो निश्चित ही स्वामी शारदाचार्य जी के मन में बड़ी प्रसन्नता होगी। उन्होंने इसका नाम वृंदावाटिका रखा था, इसलिए हमने ये नाम भी परिवर्तित नहीं किया। वृंदावाटिका मलुक पीठ यही नाम इसका है और यही रहेगा। संत का जो रखा हुआ नाम वही रहेगा। और बाहर आपने देखा होगा जाली लगी हुई, अभी तो काम चल रहा है, फाइनल काम, तो उसमें योजना यही है कि जब तुलसी रोपने का समय होगा तो बाहर में जो जाली लगी हुई है वो तुलसी जी की प्रतिष्ठा के लिए है, जिसमें तुलसी का दर्शन प्रवेश करने वाले को हो, तो ये नाम भी केवल नाम न रह जाए, अन्वर्थ संज्ञा हो जाए, केवल संज्ञा न रहे अन्वर्थ संज्ञा हो जाए, इसके लिए बाहर तुलसी रोपित करने का भी भाव है, आगे जैसी भगवान की इच्छा। तो ये जो कुछ भी है, चाहे पुरानी गौशाला, नई गौशाला, वृंदावाटिका, खाक चौक, ये सब गुरुजनों की ही कृपा का प्रसाद है। बस ये बात है कि हम लोग इनको ठीक से सावधान होकर के इनको संभाल कर सेवा कर सकें, गौ ब्राह्मण संत अतिथि इनकी भगवत भाव से उपासना कर सकें। शूरश्याम गौशाला पूज्य महाराज जी के संकल्प का शुभ परिणाम, पूज्य बाबा ठाकुरदास जी महाराज के सत्संकल्प का शुभ परिणाम, जड़खोर गोधाम भी भले ही स्थापना के समय महाराज जी प्रत्यक्ष रूप से नहीं रहे, पर हम अपने मन में विश्वास रखते हैं कि पूज्य बाबा ठाकुरदास जी और पूज्य श्री गुरुदेव भक्तमाली जी, उनका भाव था कि सूर्य श्याम में जगह कम है और विस्तृत जगह ब्रज में कहीं होनी चाहिए, तो उनका संकल्प इस रूप में पूर्ण हुआ कि आज 11,000 से ऊपर गोवंश जड़खोर गोधाम में निवास कर रहा है और पलाश दंड धारण करके लगभग 50-55 विद्यार्थी त्रिकाल संध्योपासन करते हुए, वेद पारायण करते हुए, व्याकरण पढ़ते हुए और वहाँ निवास कर रहे हैं। और हैं सब भगवान के कार्य, सबको मिलजुल कर करना है। विशेष रूप में स्थान में जो सेवा में लगे हुए साधक हैं, उनको हमारा विशेष निवेदन है, आग्रह है कि वे अपने सेवा भाव को प्रधान रख करके ये सब गुरुजनों के जो कार्य हैं उनको चलाएं। इस समय श्री रामचेतन दास जी और श्री कपिल देवदास जी ये दोनों मिलकर पूरी संस्था के लिए अथक श्रम कर रहे हैं और हमें बड़ी प्रसन्नता है कि आज इतने समर्पित सेवक आज हमारे नेत्रों के सामने दिखाई पड़ते हैं, इससे हमारे मन में बड़ी प्रसन्नता होती है। भड़काने वाले इनको भी भड़काते रहे, तुम्हें भजन करना चाहिए, सेवा करने का क्या, सेवा करते करते क्या होगा, पर उन्हें पता नहीं है कि सेवा को ही भजन कहते हैं। भज धातु सेवार्थक है, लिट प्रत्यय होता है, यू को अन हो जाता है तो भजन शब्द बन जाता है, युवो रनाकव भजन शब्द निष्पन्न हो, तो भज माने सेवा, सेवा को ही भजन कहते हैं। नाम जब तो स्मरण है वो भजन नहीं है, भजन माने सेवा। तो अब कभी हम अपने मन में सोचते हैं कैसे कुशल व्यक्ति और पहले आए होते, 10 वर्ष पहले 12 वर्ष पहले जब से स्थापना हुई है मलुक पीठ की 2001 में, आज 22 साल हो गए, क्यों, यदि तब से आए होते तो कितने साधक, सैकड़ों साधक यहां समाते नहीं, क्योंकि कथा सुनकर आकृष्ट होकर अनेक साधक आते हैं पर उन्हें ठीक दिशा निर्देशन न मिलने के कारण, उनका ठीक से मार्गदर्शन और संरक्षण न होने के कारण लोग चले जाते हैं, उनको कोई ध्यान देने वाला नहीं। लेकिन आज इतने साधक प्रेम से रहकर जो समर्पित भाव से, निष्काम भाव से सेवा कर रहे हैं, वो साधन भी कर रहे हैं, सत्संग भी कर रहे हैं, इनका सौभाग्य है। बस बात यह है कि इनको किसी की नजर न लगे, हैं, इनको कोई नजर गुजर न लगे जिससे इनका दिमाग बिगड़े, और ऐसा ही होगा तो आप लोग ऐसे ही भजन और सत्संग में, सेवा में लगे रहेंगे तो भगवत कृपा से अपने पूज्य गुरुजन जहां श्री नित्य प्रिया प्रीतम की कुंज में विराज रहे हैं उनको अत्यंत प्रसन्नता होगी,
अब प्रसन्नता ही नहीं होगी, पक्का समझ लेना वे जहां विराजे हैं वहीं पहुंच जाओगे आप। रेल के डिब्बा में कोयला भरा हो भले ही, पर इंजन से कनेक्शन जुड़ा हुआ हो तो जहां इंजन पहुंचेगा वहां डिब्बा पहुंचना ही है। तो हमारे भीतर तो कोयला भरा है, पर हम फिर जुड़े हुए हैं सद्गुरुदेव भगवान से, तो इंजन से पक्का कनेक्शन है, तो जहां वे पहुंचे हमको भी वहीं पहुंचना है, बीच में अटकना भटकना नहीं है। इस निष्ठा से आप लोग सेवा में लगे रहें। व्यवस्थापक एक हो सकता है, दस नहीं हो सकते, और वह एक व्यवस्थापक जिसको जो कह दे उस व्यवस्थापक की आज्ञा को हमारी आज्ञा मानकर काम करेंगे तो आप लोगों को लाभ होगा और स्थान की व्यवस्था भी ठीक से बनी रहेगी। ये बात जो सेवा में लगे हुए हैं बड़ी प्रसन्नता है। अभी झरा भंडारे में भी सब समर्पित भाव से लग जाते हैं, नहीं तो पहले बड़ी परेशानी होती थी। सब जगह ठीक कमर कस के लोग सेवा में लगे हुए हैं और हमारे ऊपर भी कोई भार नहीं है। भार तो पहले भी नहीं था, लेकिन कोई भार नहीं, कोई टेंशन नहीं कि भाई हमको बहुत ज्यादा कोई टेंशन दे, नहीं। आप तो समय से आओ, केवल एक बार दर्शन कर लो, बस इतना ही पर्याप्त है। तो भगवान कृपा करें, सभी बालकों पर भगवान कृपा करें, इनके मन में अहंकार ना आने पावे। हरि गुरु संतों के प्रति मन से भी कोई अपराध न बने और ये अपना जीवन सफल करें, ऐसी प्रार्थना करते हुए आज सद्गुरु भगवान के इस उत्सव में हम पुनः पुनः प्रणाम करते हैं। पूज्य गुरुजी नैया गुरुजी पधारे हैं, यदि अनुकूल समझे तो 5 मिनट कुछ आशीर्वाद आपका गुरुदेव के उत्सव की पूर्णता पर हो जाए। बड़ी कृपा है। वंदे गुरु परंपराम, वंदे गुरु परंपराम। व्यासपीठस्य अग्रभागे सर्वे विस्तावत वैष्णवाः भक्तमाल रूपेण विराजमानाः तेषां समेषां परम पावन चरण कमलेषु दासेन अनेन साष्टांग प्रणामः विधीयते। मलुकपीठाधीश्वराः अनंतानंत विभूषिताः द्वाराचार्याः जगद्गुरुवः श्री राजेन्द्र दास देवाचार्यजी महाराजाः व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णुवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः साक्षात् विष्णुकल्पाः तेषामपि परम पावन चरण कमलेषु अभिवंदनम् अस्माभिः विधीयते। एतेषां महापुरुषाणां परम पूजनीयाः पितृचरणाः अत्र विराजमानाः आशुकवयः संस्कृतस्य राष्ट्रभाषा हिन्द्याश्च तेषामपि चरणकमलेषु अस्माभिः वन्दनं विधीयते। अथ च अत्र तावत् विराजमानाः सभागारे विद्यन्ते परमादरणीयाः विद्वद्धौरेयाः आचार्याः श्रीबटोही झाजी महोदयाः, एते तु अस्माभिः अनुभूयते यथा चैतन्य महाप्रभुजी महाराजाः परम विद्वांसः आसन्, परंतु तेषां एतादृशी प्रवृत्तिः आसीत् यदि सद्ग्रंथाः अपि भजने बाधकाः स्युः तर्हि तेषां विसर्जनम् अस्माभिः कार्यम्। एतादृशी प्रवृत्तिः एतेषां महानुभावानां विद्यते। दासस्य अस्य अयमेव अनुभवः तेषां महानुभावानां कृते। अस्मिन् सभागारे विद्यमानाः सर्वेपि भगवत् कथारसरसिकाः सज्जनाः देव्यः मातरः भगिन्यः बान्धवाश्च अस्माकं पृष्ठभागे विराजमानाः यति प्रवराः श्रीस्वामीजी महाराजाः, मञ्चस्थाः विद्वांसः सर्वेपि भूसुराः सङ्गीतज्ञाः मर्मज्ञाः सर्वेपि, सर्वेषां चरणकमलेषु सीयराम मय सबजानी करो प्रणाम ज्योतिजुगुपानी। अत्र तावत् आदेशः जातः व्यासपीठात्, हिंद्याम तावत् अस्माभिः स्वकीयं वक्तव्यं दीयते। देखिए, जब गणेश चतुर्थी का बहुत ही दिव्य महामहोत्सव भारतवर्ष में सनातन धर्म परंपरा के लोगों के द्वारा संपन्न किया जाता है, तो गणेश जी को
कई जगह दास ने अनुभव किया। यद्यपि दास ने दीक्षा श्री रामानुज संप्रदाय में ली है और रामानुज संप्रदाय में गणेश भगवान की पूजा न करके उनके जगह पर विश्वक्सेन की पूजा की जाती है, लेकिन दास थोड़ा उससे हट करके है। रामानुज पद्धति में दीक्षित होने के बावजूद भी दास जो है भगवान शिव की भी आराधना करता है, दुर्गा जी की भी आराधना करता है, गणेश जी की भी आराधना करता है, और इसके लिए कोई बुरा माने तो माने, अपने राम पर कोई फर्क नहीं। ये तो मंच स्वर भी दास बोल देता है, शास्त्रीय पक्ष तो यही है। तो एक बात, दूसरी बात यह है कि गणपत अथर्व शीर्ष का यदि अध्ययन किया जाए तो भगवान गणपति साक्षात अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परतत्व ब्रह्म है, ऐसा ऋग्वेदीय गणपत्य अथर्व शीर्ष के द्वारा प्रतिपादित किया जाता है, और वेद से बढ़कर के तो कोई प्रमाण है ही नहीं। ऐसी एक पौराणिक कथा दास को कहीं प्राप्त हुई कि भगवान शिव ने भगवान श्रीमन्नारायण को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त करने के लिए बहुकाल पर्यंत तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर के भगवान नारायण ने कहा कि आप हमसे वर मांगिए। तो जैसे मनु सतरूपा ने कहा था चाहूं तब समान सुत, तो भगवान शिव ने कहा कि आपको मैं पुत्र के रूप में चाहता हूं। तो भले वह कथा में माता पार्वती के उबटन के माध्यम से ही प्रकट हुए, लेकिन वे ही भगवान नारायण गणेश के रूप में अवतीर्ण हुए। तो यथा नाम तथा गुणः, अब ये दास को तो नहीं मालूम है कि महाराज श्री का नाम जो गणेश दास है, या उनके पिताजी के द्वारा प्रदत्त है या उनके गुरुजी के द्वारा, चाहे पिताजी के द्वारा हो या गुरुजी के द्वारा हो, लेकिन यथा नाम तथा गुणः, तो ऐसा लगता है कि वही गणेश जी जो श्रीमन नारायण भगवान शिव के यहाँ पुत्र के रूप में अवतीर्ण हुए, वही दास भाव से जगत का कल्याण करने के लिए गणेश दास के रूप में अवतीर्ण होकर के हम सब लोगों का कल्याण कर रहे हैं, और दिवसत्रय पर्यंत उनके चरित्र का अवगाहन करके हम लोग अपने को धन्य समझें अगर एक क्षण भी सत्संग में बैठ करके श्रद्धा निष्ठा विश्वास पूर्वक अवगाहन करें। श्रोतभ्य श्रुतवाक्यभ्यो मंतभ्य निधिध्यासितभ्य, बहुत से लोग कथा वाचन में यह कह दिया करते हैं निगम कल्प तरोर गलितम फलम, तो उसका यह तात्पर्य नहीं समझ लेना चाहिए कि श्रीमद् भागवत जी इतनी उच्च श्रेणी को प्राप्त कर चुकी हैं कि वेद का कोई मतलब ही नहीं रह गया, क्योंकि मूल में वेद है। इसलिए अगर मूल को ही आप उच्छिन्न कर देंगे तो उसका फल कहां से आप पाएंगे। ठीक है कि भगवान साक्षात कृष्ण ही है, प्रत्यक्ष कृष्ण ये वही, आम्र फल का रस आप तभी प्राप्त कर सकते हैं जब आम्र के वृक्ष को बचाए रखेंगे। इसलिए वैदिक पद्धति का उच्छेद करके यदि कथा वाचन और श्रवण करेंगे तो कथम भी वक्ता हो या श्रोता हो कल्याण संभव नहीं है। और वह बात एक अलग है, भक्ति तो वैष्णव दर्शन में, श्री वैष्णव दर्शन में पंचम पुरुषार्थ के रूप में प्रतिपादित की गई है, तो वह भक्ति तो येन केन विधिना भी जो है यदि ग्रहण कर ली जाए तो सर्वतो भावेन जो है कल्याणकारी होती ही है। इतना ही महाराज श्री के चरण कमलों में अपनी वाक पुष्पांजलि श्रद्धांजलि समर्पित करता हुआ दासानुदास राघवेंद्र रामानुदास अपने वाणी को विराम। यह नाम उन्होंने रखा, बड़ी कृपा, गुरु जी ने अपने वक्तव्य में सब कुछ कह दिया। वस्तुतः आचार्यम माम बिजानी आत नाव मन्येत करहि चेतन मर्त्य बुद्धिया सूयेत सर्वदेव मयो गुरु। इस भगवत वाक्य के अनुसार गुरु में और भगवान में अभेद ही है, वस्तुतः भगवान ही गुरुदेव के रूप में अवतरित होते हैं, भक्त के रूप में अवतरित होते हैं, और हम सबको भगवत प्राप्ति का पथ बताते हैं। पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में बार बार प्रणाम, आरती। इस धन्य नाभा भारती की आरती आरती हरे।
जाति जब माया विवश अज्ञान तम में पग गई जन भारती आभा चंपक पाटलाभ जय पुन्नाग जाति करवील रसाल पुष्पई विल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरी भी स्वाम पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीद श्रीमद भगवद भक्तेभ्यो नमः चरण कमलेषु मंद पुष्पांजलिम समर्पयामि नमस्करोमि।